तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब कि उसकी दूरी जो है यू है वो 27 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और जो बिंब है उसका साइज, ठीक है। तो आपको भी ज्ञात करना है और वो किस प्रकृति का है वो ज्ञात करना है और साइज एच डैश ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या है उसको लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है, हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे सबसे पहले कौन सा दर्पण है, उस दर्पण का नाम लिख दीजिए अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए आप क्या फिर करना है आपको, आगे आप जो जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए। जैसे फोकस दूरी दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि फोकस दूरी एफ बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होते हैं वो ऋणात्मक होता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है दिया हुआ है बिंब की ऊंचाई, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे साइज दिया हुआ है ना, बिंब की साइज दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई को हम लोग एच मान लेते हैं और ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये माइनस होगा कि प्लस होगा, तो ये ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं नीचे वाले नेगेटिव होते हैं, तो ये ऊपर है, ठीक है ना, ये 7 सेंटीमीटर प्लस में रहेगा, ठीक है। आगे फिर जो दिया हुआ उसको नोट डाउन कर लीजिए, वस्तु की दूरी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए बिंब की दूरी भी दिया हुआ है, सामने 7 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया था, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिंब की दूरी U बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ 27 सेंटीमीटर, तो हम लोग 27 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब ये माइनस में होता है, ठीक है, अवतल दर्पण में माइनस ही होते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद हम लोगों को ज्ञात क्या करना है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे भी हम लोगों को ज्ञात करना है, भी क्या होगा और यहाँ पे एच डैश क्या होगा, ये सभी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आगे हम लोग आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से, ठीक है, किसके लिए, तो प्रकृति का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, प्रकृति का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ प्रकृति का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र आप सभी को पता है कि एक नंबर में पूछा जाएगा, दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब मान बैठा दीजिए साथियों, मान बैठा दीजिए फराक से, तो भी वाले को रहने देते हैं, एक भी हम लोग को निकालना है, प्लस यू दिया हुआ है 1/ कितना, यू बराबर दिया हुआ है कितना, -27, ठीक है, बराबर 1/f, f बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे -18 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिख रहा है, जी हाँ सर दिख रहा है। क्या करना है, अब हम लोग लिखेंगे कि 1/v, इधर ये माइनस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -18 और +1/27, ठीक है। अब यहाँ पे 18 और 27 का एलसीएम निकालिए आप, 18 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका जो होगा 54 आ जाएगा, ठीक है, 54 आ जाएगा। अब 18 + 54 आपका यहाँ पे क्या हो गया कि -3, प्लस है तो प्लस देंगे, 27 × 54, तो यहाँ पे आपका ये 2 हो गया। जब यहाँ पे हल कीजिएगा तो 1/v बराबर -1/54 आ गया आपका, क्या आ गया, -1/54, नहीं दिख रहा है, चलिए अच्छा माफ कीजिएगा, ठीक है, -1/54 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, इसका केचिया गुना कर देंगे, तो भी इसके साथ गुना हो जाएगा और ये के साथ 54 गुना हो जाएगा, तो भी बराबर कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकल गया। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के बाई तरफ है, ठीक है, दर्पण के बाई तरफ इधर ही है, जिधर था बिंब था उधर ही था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसकी प्रकृति हम लोग भी ज्ञात करेंगे, अब यहाँ से ये भी बराबर निकाल लिया, हम लोग भी निकालना था, अब आगे हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात करना है वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना, एच डैश हम लोगों को ज्ञात करना है, एच डैश ज्ञात करेंगे, एच डैश ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, जो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग आवर्धन, ठीक है, आवर्धन लिखेंगे, तो आवर्धन बराबर क्या होता है समझिएगा, आवर्धन, ठीक है, एम बराबर होता है -v/u, ठीक है, बराबर H-H, ठीक है। अब यहाँ पे v/u का वैल्यू आप बैठा दीजिए, तो यहां से आप बैठा दीजिएगा v/u का वैल्यू, तो यहाँ पे एक माइनस पहले से है और v बराबर -54 लाए हम लोग, यहाँ से u बराबर -27 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर एच डैश नहीं दिया हुआ है, एच बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है, यहां से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 27 × 54 कट गया, ठीक है। अब यहां से चलिए केचिया क्या आ गया, सबसे पहले इसको एक जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं, क्या है, तो आ गया है, इसको फ्रेश कर देते हैं, सबसे पहले आ गया है आपका -2, ठीक है, -2 और यहां से है आपका 1 बराबर H-7। अब यहां से केचिया गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 7 × 14 आपका 14 और ये माइनस इसके साथ रहेगा, तो H-H बराबर निकल के आ गया आपका -14, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा, तो आप इसका यहां पे लिख सकते हैं आंसर इस प्रकार से,
लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब जो है वो प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति में जो हो जाएगा इसका वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, प्रकृति आपका ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहां से आप यहां पे एच डैश मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल दिए, स्थिति जो दिया हुआ है प्रतिबिंब की ऊंचाई वो निकाल दिए, और प्रतिबिंब की दूरी भी निकाल दिए जो वी बराबर आप निकाल दिए। तो तीनों को आप यहां पे लिख सकते हैं कि वी बराबर सर -54 और यहां पे एच डैश बराबर -14। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को प्रॉपर लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।